हेलो एवरीवन। तो जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो रहेगा फिलोसफिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम बेसिक कवर करेंगे फिलोसफिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एक्चुअल में है क्या। तो व्हेन इट कम्स टू फिलोसफी, फिलोसफी इज सिंपली एन एक्टिविटी एंड टू डू एन एक्टिविटी वी ऑलवेज नीड टूल्स एंड टेक्निक्स एंड दिस इज द केस विद एवरी सब्जेक्ट। बट वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस, sociology, history, anthropology, chemistry, botany, geology, or any other disciplines. All these have subject experts, and these subject experts need tools and techniques to contribute in their own disciplines. For example, हम sociologists की बात करते हैं, they have specific methods and their implementations. For example, वो survey कर रहे हैं, क्वेश्चनरी हो सकता है, थ्रू इंटरव्यू हो सकता है। फील्ड वर्क की बात करें, ऑब्जर्वेशंस, पार्टिसिपेशंस, केस स्टडीज, एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, सोशल एक्सपेरिमेंट्स, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, कुछ भी कर सकते हैं वो। स्कैंडी डाटा का एनालिसिस करते हैं वो, एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट डाटा विच इंक्लूड सेंसस, हेल्थ, क्राइम स्टैटिक्स, रिसर्च ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ऑल दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर ए सोशियोलॉजिस्ट to study the social problems. Same is the case with historians. Historians also have their definite tools and techniques that they choose in historical research. Same is the case with political scientists. Same is the case with chemist, botanist. Chemistry ki baat kar lete hain. Chemist deals with chemicals, and to deal with chemicals, they need tools as well as techniques. तो मतलब एक एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं वो टेक्निक हो गया, और जो टूल्स वो यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स, दैट इज टूल्स। तो मतलब कोई भी ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जहाँ पे टूल्स और टेक्निक्स चूज नहीं होते। हर एक डिसिप्लिन के अपने स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स होंगे, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम्स विच वी स्टडीज। तो मतलब जो टूल्स और टेक्निक्स हैं वो प्रॉब्लम्स डिटरमाइन करती हैं कि वो कैसे होंगे। अगर फिलॉसफी की बात करें हम, तो जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हैं वही डिटरमाइन करेंगे कि जो फिलोसफिकल टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो कैसे होते हैं। एंड आई से इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स, बट हाउ? बिकॉज जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हैं वही डिफर हैं। बाकी जितने भी डिसिप्लिन्स की हमने बात की, जितने भी डिसिप्लिन आज हमारे सामने हैं, दे आर पॉजिटिव साइंसेस। पॉजिटिव साइंसेस में वो फैक्चुअल स्टडी करते हैं, वो कंक्रीट प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको डे टू डे लाइफ में हम फेस कर रहे हैं, उनको स्टडी करने के लिए जो टूल्स होंगी, जो टेक्निक्स होंगी, वो भी कंक्रीट ही चाहिए, वो भी फिजिकल ही चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू फिलोसफी, फिलोसफी इज एन एब्स्ट्रैक्ट डिसिप्लिन, बिकॉज जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सब की सब एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हैं, दे डू नॉट हैव कंक्रीट एग्जिस्टेंस। वेदर वी टॉकिंग अबाउट गॉड, सोल, टाइम, स्पेस, डेथ, और एनी अदर फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स, all these problems are abstract in natures, and definitely ab jo tools aur techniques hum use karenge in problems ko samajhne ke liye, solution provide karne ke liye, wo bhi definitely physical nahi hongi. Matlab we do not need tools like historians or sociologists or political scientists or chemist. Wo kyun? Kyunki philosophy jo it's a rational activity, and all we need is reason. और इस कोर्स में जो हम कवर करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर की ही बात करें, तो वहाँ पे हम बेसिक ये देखेंगे जो नेचर है फिलोसफिकल इंक्वायरीज का वो क्या होता है। तो यहाँ पे मीनिंग और नेचर हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे मेथडिकल डाउट है, मेथड ऑफ डाउट बोल सकते हैं आप इसको। तो मतलब ये नेसेसरी टूल है फिलोसफिकल इंक्वायरी का, मेथड ऑफ डाउट। क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल्सो एन एसेंशियल टूल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च। डायलेक्टिकल मेथड है, डायलॉग कर सकते हैं आप, ये भी एसेंशियल टूल है। सेकेंड चैप्टर में जो हम डील करेंगे वो है रिग्रेस, सर्कुलरिटी, कैटेगरी मिस्टेक और एम्बिग्यूटी। ये चारों की चारों क्या हैं, चल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अगर आपकी जो आर्ग्यूमेंट है, जहाँ जो आपकी रीजनिंग है, वहाँ पे रिग्रेस, सर्कुलरिटी या कैटेगरी मिस्टेक या एम्बिग्यूटी अगर आ जाती है, तो मतलब आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि जो आपकी आर्ग्यूमेंट आप जो प्रपोज कर रहे हो किसी भी पॉइंट को डिफेंड करने के लिए, उसमें इनमें से कोई भी वो किसी इसमें से चारों में से किसी में फॉल तो नहीं कर रही, कहीं रिग्रेस की प्रॉब्लम तो नहीं बन रही, सर्कुलरिटी की प्रॉब्लम तो नहीं बन रही, कैटेगरी मिस्टेक की प्रॉब्लम तो नहीं है, एम्बिग्यूटी तो नहीं है।
तो सेम जो थर्ड चैप्टर है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ए प्रायोरिटी और ए पोस्टरी। दीज आर द मैथड्स चूज बाई वेरियस फिलोसफर्स, ए प्रायोरिटी एंड ए पोस्टरी। ए प्रायोरिटी मतलब वो फिलोसफर थे जो सिर्फ माइंड को प्रायोरिटी देते थे, रीजनिंग रैशनैलिटी को प्रायोरिटी देते थे, और ए पोस्टरी जो साइंटिस्ट फिलोसफर थे वो जो फाइव सेंस ऑर्गन हैं हमारे इसको प्रायोरिटी देते हैं। जैसे एनालिटिक और सिंथेटिक की बात करें यहाँ भी ऐसा ही डिस्टिंक्शंस हैं, आप इसको एनालिटिक और सिंथेटिक डेफिनेशन से बोल सकते हैं। एनालिटिक वो चीज़ होती है जो ट्रू बाय डेफिनेशन होती है, और सिंथेटिक जो नॉट ट्रू बाय डेफिनेशन। और कैटेगरिकल मॉडल दीज आर द ब्रांचेस ऑफ लॉजिक, कैटेगरिकल लॉजिक एंड मॉडल लॉजिक, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड लास्ट चैप्टर में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, दीज आर द फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स। आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट टॉकिंग इन ऑब्जेक्टिव सेंस और सब्जेक्टिव सेंस। अगर पर्सनल बात करें तो वो सब्जेक्टिव होगी, अगर सबकी बात करें वो ऑब्जेक्टिव होगी। अब जैसे गॉड है वो ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है? अगर सबका पर्सनल गॉड है तो वो सब्जेक्टिव होगा, अगर सबका एक ही गॉड है तो वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो दीज आर द केसेस दैट वी डिस्कस इन दिस अपकमिंग लेक्चर्स। और एसेंशियल और एक्सीडेंटल हो गया, नेसेसरी एंड सफिशेंट हो गया, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब क्या हैं, एक्चुअली फिलोसफिकल टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, जो फिलोसफर इनको यूज़ करते हैं। जब फिलोसफर फिलोसफी करते हैं वो अपनी आर्गुमेंट्स देते हैं तो वो इन सब जो पॉइंट्स हैं कि मेरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, एसेंशियल है या एक्सीडेंटल है, नेसेसरी है या सफिशेंट है, एनालिटिक है या मेरी स्टेटमेंट सिंथेटिक है, मेरी जो वे है फिलोसफाइज करने की वो एक प्रायोरिटी है जो एक पोस्टरी है, तो इन सब पे फोकस रखते हैं। तो मतलब एक जो फिलोसोफर फिलोसोफी करता है तो उसको इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ता है। ऐसे तो सिंपल सा अगर हम बात करें जो फिलोसफी का जो बेसिक टूल्स है दैट इज़ आर्ग्यूमेंट, दैट इज़ रीजनिंग। विदाउट रीजनिंग के, विदाउट आर्ग्यूमेंट के फिलोसफी पॉसिबल नहीं है। और इसलिए एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि जो फिलोसफी है वो एक रैशनल डिसिप्लिन है, और जहाँ पे जो सबसे मेन टूल है, जो टेक्निक है, दैट इज़ रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट्स। थैंक यू।